हेलो गाइस, चलिए हम आगे इंटीग्रल अपना कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग आज एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो है ग्रीन्स थ्योरम, उसका प्रूफ देखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये थ्योरम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि आप के को ये फैसिलिटी देता है कि अगर आपको लाइन इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है, थ्रू ए क्लोज्ड कर्व, तो उस लाइन इंटीग्रेशन को आप डबल इंटीग्रल में बदल के फाइंड कर सकते हैं। या कहिए कि अगर आपको डबल इंटीग्रल फाइंड करना है इस तरह का, तो आप उसको लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। थ्योरम का स्टेटमेंट है कि अगर सी कोई पीस वाइज स्मूथ सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ठीक है, ओके। तो आपको देखना है, यहाँ पे ध्यान देना है कि पीस वाइज तो खैर हो जाएगा, जनरली क्लोज्ड कर्व होना चाहिए, ओके। तो अगर ये क्लोज्ड कर्व है प्लेन में, ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। तो ये जो स्मूथ कर्व है, ठीक है, लेट दिस स्मूथ कर्व बी इनक्लोज्ड, ओके, इनक्लोज्ड इन द रीजन आर। सपोज करते हैं, ठीक है, कि ये जो है, जो ये स्मूथ कर्व है, ठीक है, ये किसी रीजन में इनक्लोज्ड, किसी रीजन को इनक्लोज्ड करता है, ठीक है। अच्छा, एंड एज्यूम दैट पी एंड क्यू एंड देयर फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स आर कंटिन्यूअस। पी क्यू और इनका जो फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव है, यानी कर्ली पी बाई कर्ली वाई, कर्ली क्यू बाई कर्ली एक्स, ये सब क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है, आर कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट इन द रीजन आर कॉन्टेनिंग सी, देन देन क्या होगा, तो देन देखिए ये रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। लाइन इंटीग्रल को आप इस तरीके से डबल इंटीग्रल में लिख सकते हैं, ठीक है। आइए इसका प्रूफ करते हैं, ओके। तो प्रूफ करने में हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले ये ना कि ये जो हमारा थ्योरम है, ठीक है, इस थ्योरम को हम दो पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वही चीज़ यहाँ पे लिखा हूँ कि द थ्योरम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। जैसे एक पार्ट तो इसका ये है और दूसरा पार्ट इसका ये है, ठीक है। तो दोनों पार्ट को अलग अलग हम लोग कर लेते हैं पहले। तो मैंने अलग अलग कर दिया है, तो जो पी डी एक्स है, ठीक है, जो पी का इंटीग्रल है, उसका वैल्यू मेरे को ये दिखाना पड़ेगा, ठीक है, चूँकि पी का टर्म यहाँ पे है, और जो क्यू वाला है तो उसके लिए मुझको ये दिखाना पड़ेगा। अगर ये दोनों को मैं प्रूफ कर देता हूँ तो हम लोग का थ्योरम क्या है, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब आइए फर्स्ट पार्ट को पहले प्रूफ करते हैं, हाँ, ठीक है, फॉर फर्स्ट पार्ट। अच्छा, अब देखिए कोई भी पार्ट आप प्रूफ करें तो पहले क्या करना पड़ेगा, आपको ये रिलेशन एग्जिस्ट कराने के लिए ये दिखाना पड़ेगा कि आपका जो क्लोज्ड कर्व है सी, ठीक है, स्मूथ कर्व, वो क्या है, वो किसी रीजन को कवर करता है, ठीक है, किसी रीजन को तैयार करता है, ओके, इनक्लोज्ड करता है। तो अब आप देखिए कि जैसे मैं इसके लिए यहाँ पे ये फिगर बनाया हूँ, ठीक है, ओके। सपोज़ करते हैं कि जो मेरा सी है फर्स्ट पार्ट के लिए, ओके, वो जो है दो कर्व से मिल करके बना है, ये नीचे वाला, इसको हम लोग सी वन कहेंगे, ठीक है, इसको सी वन, और ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, सी टू, ठीक है। तो ये दो कर्व से मिलके बना है, ऐसा हम लोग सपोज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर ये देखिए, ये पूरा जो सी है वो क्लोज्ड हो जाएगा। कैसे क्लोज्ड होगा, देखिए, तो ये इधर सी वन, फिर ये आपका जो है वो कांस्टेंट एक्स इक्वल टू बी, ठीक है, फिर इधर आपका सी टू, और इधर कांस्टेंट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको बाउंड मान लेते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, फॉर फर्स्ट पार्ट लेट द कर्व कर्व सी इज मेड अप ऑफ टू कर्व्स सी वन एंड सी टू बिटवीन बिटवीन एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी, ओके, सच दैट, कैसा है, देखिए, तो सी वन जो है आपका वो है y इक्वल टू एफ वन एक्स, ठीक है, और फॉर ऑल x आपका कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, a से b तक, ठीक है, और जो c टू है आपका वो है y इक्वल टू एफ टू एक्स फॉर ऑल b टू a, क्लियर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो y इक्वल टू एफ वन एक्स है मेरा, उसका वो कहाँ से कहाँ तक, उसका स्टार्टिंग ये है x इक्वल टू ए, और इसका फाइनल ये x इक्वल टू बी है, ठीक है, यहाँ तक है, तो ए टू बी,
और चूँकि हम लोगों को जो भी लेना पड़ता है वो क्या लेना पड़ता है, काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में लेना पड़ता है, तो इसलिए मैंने ये लिया डायरेक्शन, इसमें ऐसे जाएंगे, ठीक है, ओके। फिर ये तो आपका कांस्टेंट है, ये भी आपका कांस्टेंट है, ओके। अच्छा, फिर ये इस टाइप से पूरा एक क्लोज्ड पूरा कर्व तैयार हो रहा है, देख रहे हैं, ओके ओके। तो इसमें जो मेन जो है पार्ट वो क्या है, एक है सी वन और दूसरा है क्या आपका सी टू, ठीक है, क्लियर। तो अब देखिए, अगर ये है तो अब हमारा जो ये पार्ट निकलेगा सी पी टू डी एक्स, ठीक है, तो हम लोग को ये प्रूफ करने के लिए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, कि हम लोग का वैल्यू क्या फाइंड आउट होता है। आइए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, नाउ अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस, फॉलोइंग कंडीशंस इंटीग्रेटिंग इसको कर्ली पी बाई, ठीक है, कर्ली वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो वाई के रिस्पेक्ट में जब हम लोग करेंगे तो हम लोग कहाँ से कहाँ तक करेंगे, वाई इक्वल टू एफ वन, है ना, हमेशा याद रखिएगा, जब वाई से वाई के रिस्पेक्ट में किया जाएगा तो क्या होता है, लोअर टू अपर होता है ना लिमिट हमेशा, जिसका लोअर कर्व है वो है एफ वन एक्स और जो अपर कर्व है वो है एफ टू एक्स, ठीक है। तो बिटवीन क्या लिखेंगे, बिटवीन वाई इक्वल टू एफ वन एक्स टू वाई इक्वल टू एफ टू एक्स, ठीक है, क्लियर है, ओके, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो अब आप देखिए ये क्या देगा, एल्स ये हमको देगा, ठीक है, एफ वन एक्स से एफ टू एक्स करली पी बाई करली वाई डी वाई, ठीक है। तो अब आप देखिए जो हमारा पी है या क्यू है, पहले तो एक बात आप यहाँ पे समझ लें कि जो हमारा पी है या क्यू है वो दोनों क्या है, एक्स वाई का फंक्शन है, ठीक है। चूँकि जनरल हमारा ये जो ग्रीन्स थ्योरम है ये क्या है, ये हमको टू डायमेंशन में किसी एक प्लेन में, तो अगर जेड इक्वल टू जीरो की हम लोग बात करें, प्लेन जेड इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो जेड इक्वल टू जीरो में यानी कि एक्स वाई प्लेन में हमको ये रिलेशन मिल रहा है, ठीक है। तो जो मेरा पी और क्यू है दोनों क्या है, फंक्शन है एक्स और वाई का, याद रखिएगा, चाहे पी हो और चाहे आपका क्यू हो, ठीक है, वो क्या है, आपका फंक्शन होता है एक्स वाई का, क्लियर है, ठीक है। तब आप देखिए यहाँ पे जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, चूँकि यहाँ पे कर्ली डी वाई है और ये डी वाई है, ओके, तो इसका जो सिंपल जो इसका इंटीग्रेशन आना है फंडामेंटल थ्योरम से, वो क्या आ जाएगा, पी, ठीक है, एक्स एफ टू एक्स माइनस पी एक्स एफ वन एक्स, ठीक है, आप समझिए, ठीक है, क्योंकि आपका जो पी है, ध्यान दीजिए, आपका जो पी है वो क्या है, फंक्शन है एक्स वाई का, ठीक है। तो अभी जो हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं वो तो वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, तो जब वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो मेरा क्या है, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव है ये इसका, तो इसका पार्शियल इंटीग्रेशन होगा, यानी एक्स जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो एक्स देखिए दोनों में कांस्टेंट है और सिर्फ वाई का इंटीग्रल होगा, तो जब वाई का इंटीग्रेशन होगा तो वाई का हम लिमिट डालेंगे, ठीक है, वाई के रिस्पेक्ट में, तो पहले अपर लिमिट डालेंगे वाई के प्लेस में, तो वाई के प्लेस में अपर लिमिट डालिएगा तो क्या आ जाएगा, एफ टू एक्स, और फिर लोअर लिमिट डालिएगा तो क्या आ जाएगा, एफ वन एक्स, ठीक है, कीपिंग एक्स कांस्टेंट, ओके। तो जिस तरीके से पार्शियल डेरिवेटिव होता है, इस तरह का पार्शियल जो इंटीग्रल है उसको भी आपको ध्यान से रखना है, ओके, ठीक है। तो हमारा जो ये वैल्यू है वो क्या आ गया, बोलिए, वो ये आ गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इस ये जो इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल को हम लोग अब ए से बी तक एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है, ओवर इंटरवल एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू
बी, ठीक है। क्योंकि आप अगर आप फिगर देखेंगे तो हमारा जो वाई के रिस्पेक्ट में तो नीचे से ऊपर तक हो गया, अब एक्स के रिस्पेक्ट में कहाँ से कहाँ होना है, तो एक्स का जो लोअर पार्ट है वो है एक्स इक्वल टू ए, और जो एक्स का अपर लिमिट है वो है एक्स इक्वल टू बी। तो एक्स इक्वल टू ए से लेकर के एक्स इक्वल टू बी तक, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, देयर फॉर हम लोग लिखेंगे, इधर हो जाएगा आपका ए टू बी एफ वन एक्स एफ टू एक्स, ठीक है, कर्ली पी वाई कर्ली वाई डी वाई, ये तो निकाल चुके थे। अब इसमें हमारा क्या लग जाएगा, एक डी एक्स, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा, इधर जो वैल्यू हमको आया हुआ था वो हो जाएगा ए टू बी पी एक्स एफ टू एक्स माइनस पी एक्स एफ वन एक्स, ठीक है, और डी एक्स, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ब्रैकेट, ठीक है, डी एक्स, ओके। अब देखिए इसका जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करके लिखता हूँ। पहले मैं लिमिट को अलग अलग कर देता हूँ, ठीक है। लिमिट को जब अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, देखिए इसका लिमिट मैं ना चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है, पहले वाले का। तो यहाँ पे माइनस कर देंगे तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा, बी टू ए, ठीक है, पी एक्स एफ टू एक्स माइनस, ठीक है, इसका लिमिट मैं अब कर देता हूँ, इसका लिमिट वही रहने देता हूँ ए टू बी। क्योंकि असल में हम लोगों को देखना ये है ना कि कौन सा फंक्शन जो है वो कहाँ से कहाँ रनिंग कर रहा है, ठीक है। अब आपका देखिए सही हो गया। अब अगर आप फिगर देखेंगे ना तो फिगर में आपका जो एफ टू एक्स है, आप हम लोगों ने डिफाइन भी किया है, क्या है वो है बी से ए। क्योंकि एफ टू एक्स जो हमारा डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन के हिसाब से एफ टू एक्स जो फ्लो हो रहा है, रनिंग कर रहा है, वो बी से लेकर के ए तक, ठीक है, इधर से इधर। और जब एफ वन एक्स को देखते हैं तो ये ऐसे रनिंग कर रहा है, यानी एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी, ठीक है। जब एफ वन एक्स वाला का बारी आएगा तो हम लोग ए टू बी लेंगे, यानी वही लिमिट को अप्लाई कर दिए। और जब एफ टू एक्स का बारी आया तो हम लिमिट को उल्टा कर दिए, चूँकि हमको बी से ए का ज़रूरत था, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर लिमिट को चेंज करते हैं तो साइन मेरा माइनस हो जाएगा, ठीक है, इसको आप पहले से जानते होंगे, ओके। अब अगर आप देखें तो ये मेरा बी टू ए जो है, ये मेरा कर्व सी टू है, ठीक है। तो ये लिखा जाएगा दिस इक्वल टू, दिस वन इज़ सी टू एंड इट इज़ पी डी एक्स, ओके। एंड माइनस ये अगर हम लिखेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे दिस इज़ कर्व सी वन पी डी एक्स, क्लियर है, ओके। तो चूंकि सी टू और सी वन दोनों आ चुका है, और तो अगर हम माइनस को कॉमन ले लें तो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या लिख पाएंगे हम, सी पी डी एक्स, ठीक है। इसलिए कि जो आपका सी है वो क्या है, वो है सी वन प्लस सी टू। हम लोगों ने लिया था कि सी जो है मेरा वो दो पार्ट सी वन और सी टू से तैयार होता है, क्लियर है, ओके। तो ये हम लोग का आ गया। तो हमारा जो रिजल्ट था वो देखिए, फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हो गया है, ठीक है। अगर हम यहाँ से मिला दें, देयर फोर हम क्या लिखेंगे, देयर फोर अगर हम इसको ऐसे लिखें सी पी टू डी एक्स, ठीक है, तो ये जो माइनस है, ये माइनस इधर अप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका माइनस, ठीक है। अब ये पूरा देखिए हमारा क्या है, रीजन है, ठीक है, कि रीजन का जो वाई लिमिट है वो एफ वन से एफ टू तक बाउंड है, और जो एक्स लिमिट है वो ए से बी तक बाउंड है, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट रीजन भी लिख सकते हैं। तो पहले मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, माइनस ए टू बी, ये किसका है, ये एक्स का लिमिट है, ठीक है, और वाई का लिमिट है आपका एफ वन एक्स से एफ टू एक्स, ठीक है। और इधर क्या है, इधर है आपका कर्ली पी बाई कर्ली वाई डी वाई डी एक्स, ओके, ठीक है। तो ये हम लोग का आ गया। तो हम यहाँ से क्या लिख देंगे, देयर फोर सी पी डी एक्स इज इक्वल टू, सिंपली लिख देंगे इसको हम लोग एक रीजन आर, चूँकि जो रीजन है उसको हम लोगों ने आर से डिनोट किया हुआ है, ठीक है, कर्ली पी बाई कर्ली वाई डी वाई डी एक्स, ओके। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है, हम लोग जो है फर्स्ट पार्ट पे आ गए, फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपका। अच्छा, हम लिख सकते हैं दिस कंप्लीट्स फर्स्ट पार्ट, दिस कंप्लीट्स फर्स्ट पार्ट, ओके। यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया। अब आइए देखिए सेकंड पार्ट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं ना, ओके। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट को मैं शुरू करता हूँ, जैसे फर्स्ट पार्ट किया हम लोगों ने वैसे ही हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे, फॉर सेकंड पार्ट। देखिए सेम टू सेम करना है, बस ध्यान ये देना है कि आपका एक्स का लिमिट क्या होगा, वाई का लिमिट क्या होगा। तो सेकंड पार्ट में इस बार हम लोग जो है, ठीक है, जो वेरिएशन है उसको हम लोग
लेंगे इन टर्म इन फंक्शन ऑफ वाई। ठीक है, तो इस बार हम लोग लेते हैं, सिमिलरली कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, सिमिलरली ठीक है, वी कैन टेक, हम ले सकते हैं क्या, वी कैन टेक द कर्व सी, द कर्व सी इज मेड अप ऑफ टू कर्व्स C1 dash एंड C2 dash सच दैट, ध्यान दीजिए, C1 dash में क्या ले रहा हूँ, C1 dash में ले रहा हूँ ठीक है, x इक्वल टू G1 y, और जो फॉर ऑल ये आपका D से लेकर के C तक, और C2 dash में ले रहा हूँ एंड C2 dash x इक्वल टू G2 y फॉर ऑल C2 D। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि जैसे अब इस बार जो हम लोगों ने दो कर्व लिया हुआ है ठीक है, तो वो क्या लिया हुआ है, x इन फंक्शन ऑफ y। ओके, तो ऐसे केस में हम लोगों ने देखिए ये रीजन R तैयार किया है और इसका दो पार्ट लिया है C1 dash, ये मेरा C1 dash है इधर वाला, और ये मेरा क्या है, ये है मेरा C2 dash। ठीक है, तो पहले चूँकि लोअर जो होता है ना लिमिट वो डिफाइन किया जाता है, तो चूँकि अब हम लोग इसको विथ रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जो हमारा जो वेरिएशन है, हम लोगों ने वेरिएशन क्या लिया हुआ है, एलोंग एक्स एक्सिस लिया हुआ है। ठीक है, तो एलोंग एक्स एक्सिस अगर लेंगे तो हमको क्या है, हमको फंक्शन एक्स जो है फंक्शन ऑफ वाई में लेना पड़ेगा। जैसे पिछले बार हम लोगों ने क्या लिया था, एलोंग एक्स एक्सिस लिया था, तो एलोंग वाई एक्सिस लिया था हम लोगों ने, तो जब हम लोग एलोंग वाई एक्सिस करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो है वाई को हम फंक्शन ऑफ एक्स में लेते हैं और फिर इंटीग्रेट करते हैं एलोंग एक्स। ठीक है, तो इसका उल्टा हम लोगों ने इस बार लिया है, इस बार हम लोगों ने सपोज कर लिया है कि जो हमारा फंक्शन है वो इन टर्म ऑफ वाई है। ठीक है, दैट इज़ एक्स इक्वल टू G1 y एंड एक्स इक्वल टू G2 y, और ये जो है रनिंग कर रहा है आपका जो अप लोअर लिमिट है वो y इक्वल टू C और जो अपर लिमिट है वो y इक्वल टू D। तो चूँकि हम लोगों को लेना होता है पॉजिटिव डायरेक्शन में यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो हम लोगों ने देखिए इस तरह का डायरेक्शन लिया है, इस तरीके से जो रीजन है ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बाउंड हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो अब आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि इस बार हमारा जो एक्स है वो फंक्शन होता है वाई का, तो ये मेरा लोअर जो है लिमिट है एलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये मेरा क्या है, ये है मेरा अपर लिमिट। ठीक है, तो हम जो इंटीग्रेट करेंगे वो करेंगे G1 y से G2 y। तो अब आपको देखना है कि जो G1 y है वो वेरी कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, उसका जो बाउंड्री है वो D से C होगा। ठीक है, D to C एज पर डायरेक्शन, और जो G2 y है इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा C to D। क्लियर है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है, इसको आप अच्छे से देखेंगे, ये D से C है G1 और G2 क्या है C से D। क्लियर है, ओके, तो आइए हम जो है इंटीग्रेट करते हैं किसको, कर्ली क्यू बाई कर्ली एक्स को। ठीक है, नाउ इंटीग्रेटिंग, जैसे हम लोगों ने पिछले बार किया था, ठीक है, कर्ली क्यू बाई कर्ली एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बिटवीन एक्स इक्वल टू G1 y एंड एक्स इक्वल टू G2 y। ठीक है, क्या देगा ये, एल्स ये आपको प्रोवाइड करेगा, देखिए G1 y से G2 y, ओके, कर्ली क्यू बाई कर्ली एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि चूँकि क्यू भी मेरा एक्स वाई का फंक्शन है, तो ये पार्शियली वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है। ठीक है, तो सिर्फ मेरा एक्स का लिमिट चेंज करेगा, तो एक्स का अपर लिमिट क्या है, G2 y, और लोअर लिमिट वाई माइनस लोअर लिमिट क्या है, G1 y। ठीक है, कीपिंग वाई कॉन्स्टेंट, ये जो वाई है हमारा ये कॉन्स्टेंट रहेगा, सिर्फ जो शुरू वाला जो एक्स होता है तो एक्स के लिमिट की जगह पे हम लिमिट पुट करेंगे। क्लियर है, ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, देन इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग, ठीक है, द रिजल्टिंग इंटीग्रांड
इंटीग्रांड, ठीक है, ओवर इंटरवल, कौन सा इंटरवल है हम लोगों का इस बार, y इक्वल टू सी टू y इक्वल टू डी, ठीक है, इस इंटरवल में हम लोगों को ये करना है, दैट इज़ लिख सकते हैं इन c से d, ठीक है। तो इस इंटरवल में अगर हम लोग करते हैं इसको तो क्या आ जाएगा बताइए, इसको ओपन लीजिए, ओपन c टू d, ओके, क्या आ जाएगा बताइए, देयर फोर आ जाएगा c से d, ये लिमिट हो गया, पहले से था जी वन वाई जी टू वाई करली क्यू बाई करली एक्स डी एक्स, अब लग गया करके डी वाई, ठीक है, इधर भी इंटीग्रेशन होगा सी टू डी, वाई का लिमिट है ये, ध्यान दीजिएगा, सॉरी ये एक्स का लिमिट है, पहले हम लोगों ने एक्स के रिस्पेक्ट में किया है, अब वाई के रिस्पेक्ट, ठीक है, वाई का लिमिट है, वाई इक्वल टू सी टू डी, ठीक है, और इसका जो वैल्यू ऊपर में आया वो क्या आ गया, वो आ गया आपका क्यू जी टू वाई वाई माइनस क्यू जी वन वाई वाई, ठीक है, और इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग फर्दर वाई के रिस्पेक्ट में, क्लियर है, इसका वैल्यू क्या आएगा देखिए, इसका जो वैल्यू है तो फिर से मैं उसी तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहता हूँ, ठीक है, देखिए जो जी टू वाई है हमारा, अगर हम लोग देखें अभी जो हम लोगों ने किया हुआ है, तो जी टू वाई कहाँ से कहाँ तक इसका रनिंग है, इसका सी टू डी है, ठीक है, तो चूँकि सी से डी है जी टू वाई का, सी से वाई इक्वल टू सी लोअर इसका इंड और इसका जो अपर इंड है वो है वाई इक्वल टू डी, इसका सी टू डी है, तो सी टू डी इसके लिए तो ठीक है, इसको हम लोग ऐसे ही स्प्लिट करेंगे, कैसे, सी टू डी क्यू जी टू वाई वाई, ओके डी वाई माइनस, अच्छा जब हम लोग इसके लिए आएंगे ना, तो इसके लिए हम लोग को क्या, जी वन वाई जो है आपका, उसका देखिए उसका रनिंग कहाँ से कहाँ है, तो जो जी वन वाई है वो आपका है डी टू सी, ठीक है, तो देखिए जी वन वाई ये इसका लोअर लिमिट होना चाहिए, इसका अपर लिमिट होना चाहिए, ठीक है, डी लोअर और सी अपर, तो हमको देखिए यहाँ पे इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो हम लोग देखिए यहाँ पे डी कर देते हैं, यहाँ पे सी कर देते हैं, ये करेंगे तो साइन माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, तो क्या आ जाएगा क्यू क्यू जी वन वाई वाई डी वाई, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है, अब देखिए अब जो है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, कर्व ही हमारा हो गया सी वन डैश, ठीक है, सी वन डैश हमारा ये कर्व हो गया, क्लियर है, ठीक है, और इसको हम लोग फिर कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे अब डेफिनेटली ये हो हमारा सिर्फ लिखाएगा क्यू डी वाई, ठीक है, प्लस ये हमारा कर्व कौन सा हो गया, ये सी वन डैश और ये सी टू डैश, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा क्यू डी वाई, ओके, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं मिला करके सी वन और सी टू को सी क्यू डी वाई, ठीक है, चूँकि हम लोगों ने इस बार कर्व को सी वन डैश और सी टू डैश में बांटा था, क्लियर है, अच्छा तो अब देखिए फिर से इसका जो वैल्यू है वो आपका अब फाइनल हो गया, दैट इम्प्लाइज क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये जो सी क्यू डी वाई है, ठीक है, वो क्या है, वो है सी टू डी जी वन वाई से जी टू वाई, ठीक है, तो वाई है डेफिनेटली ये एक्स का लिमिट है और ये फाइनली आपका वाई का लिमिट है, करली क्यू बाई करली एक्स डी एक्स डी वाई, ये आपका क्योंकि अब ये रीजन को तैयार कर रहा है, ये जो बाउंड्री है चारों, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं दिस इज़ इंटीग्रेशन ओवर रीजन आर, ओके करली क्यू बाई करली एक्स डी एक्स और डी वाई, तो इस तरीके से देखिए हमारा सेकेंड पार्ट भी प्रूफ हो गया, ओके तो दिस प्रूफ्स आवर सेकेंड पार्ट, ठीक है, दोनों पार्ट हमारा प्रूफ हो गया, तो दोनों का हम लोग क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, ठीक है, समिंग बोथ दी रिजल्ट्स, ठीक है, बोथ दी पार्ट्स, दोनों पार्ट को मिला देते हैं तो क्या होगा, ओके वी हैव, हम लोग पाएंगे कि जो करली पी डी एक्स है, सॉरी जो हमारा पी डी एक्स का इंटीग्रेशन था इन कर्व ओवर कर्व सी और जो क्यू डी वाई का इंटीग्रेशन है, ठीक है, ये जो है सिंपली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सी पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, ठीक है, तो ये क्या आ गया है, तो ये हमारा इक्वल टू आ जा रहा है, ठीक है, क्योंकि पहला वाला आया है माइनस में और दूसरा वाला आया है प्लस में, तो डबल इंटीग्रेशन आर को हम लोग कॉमन ले पाएंगे क्योंकि दोनों कंटिन्यूस, ठीक है, फिर हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे डेल क्यू बाई डेल एक्स माइनस डेल पी बाई डेल, सॉरी करली एक्स करली क्यू बाई करली एक्स करली पी बाई करली वाई, ठीक है, और डी एक्स डी वाई को बाहर में रख देंगे, ओके तो ये हम लोग का पूरा थ्योरम का प्रूफ हो गया।
प्रूफ। तो ये आपका ग्रीन्स थ्योरम जो है इस तरीके से प्रूव हो रहा है। आई होप आपको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा और आसान लगा होगा, ठीक है। इसका एप्लीकेशन वगैरह करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है। ओके, तो कोई मुश्किल नहीं था इसका इसको प्रूफ करना, ठीक है। आप लोगों को भी ये अच्छा लगा होगा। अब देखें, इसका एक कोरोलोरी है। क्या है कोरोलोरी? कोरोलोरी है कि ग्रीन्स थ्योरम का यूज़ जो है ना, वो एरिया फाइंड करने में भी किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए वही है कि एरिया बाउंडेड बाई ए सिंपल क्लोज्ड कर्व सी, ठीक है। कोई सपोज कीजिए कि आपका क्लोज्ड कर्व आपको सी दिया हुआ है इस टाइप से, ओके। तो इस क्लोज्ड कर्व सी से जो अंदर में जो एरिया बाउंड होता है उसका जो फॉर्मूला है उसको हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ए इज इक्वल टू वन बाई टू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ये आपका एरिया अंदर का ए, क्लियर है, ठीक है। तो देखिए इसको यहाँ पे प्रूफ करना काफ़ी आसान है। जैसे यहाँ पे हम जैसे हम लोग जो अभी रिजल्ट पढ़े हैं तो उसमें क्या होता है, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, ठीक है। हमारा रिजल्ट था वो क्या था, वो था पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई का जो इंटीग्रेशन है, हम उसको ग्रीन्स थ्योरम के यूज़ से डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डी एक्स का जो कोफिशियंट है वो है वाई, तो हम पी को माइनस वाई ले लेते हैं, और जो डी वाई का कोफिशियंट है वो है एक्स, तो हम क्यू को ले लेते हैं एक्स। तो आप देखिए पी को हमको वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए होता है, तो कर्ली पी बाई कर्ली वाई आपका माइनस वन आएगा, कर्ली क्यू बाई कर्ली एक्स आपका वन आएगा। ग्रीन्स थ्योरम आप यूज़ करेंगे तो ये हमारा ग्रीन्स थ्योरम है, ठीक है। पी और क्यू का वैल्यू पुट अप कर देंगे तो इधर ये चीज़ बन जाएगा, और इधर जो है आपका ये टू आ जा रहा है, ठीक है। तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं, टू को बाहर ले लेंगे तो डी एक्स डी वाई। ये जो डी एक्स डी वाई होता है ये हमारा एरिया होता है, ठीक है, एलिमेंट्री एरिया, जिसका इंटीग्रेशन क्या होता है, कंप्लीट एरिया देता है, ओके। तो ये टू ए हो जाएगा, जहाँ ए हमारा क्या है, रिक्वायर्ड एरिया है। तो यहाँ से हम ए को क्या लिख सकते हैं, टू को इधर डिवाइड कर देंगे तो ये। तो इस तरीके से देखिए आप देखेंगे कि जो ग्रीन्स थ्योरम का यूज़ करके, ठीक है, आप एक लाइन इंटीग्रेशन को डबल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर पाएंगे। और दूसरा ये कि किसी भी क्लोज्ड कर्व से जो एरिया इनक्लोज्ड हो रहा है, ठीक है, उसको भी आप फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग और भी कुछ डिस्कस करेंगे, तो आप मेरे वीडियोस देखते रहिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मैं काफ़ी ईजी वे में आपको बता रहा हूँ। और डेफिनेटली आपको ये जो है और सोर्सेज के कंपेयर में ईजी लगेगा, और आप इसको ईजिली अंडरस्टूड भी कर पाएंगे। मैं हर छोटे और बड़े टर्म्स को समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ हैं, स्टैंडर्ड 9 से लेकर के आपका पूरा मैथ का बेस कहीं से भी आप इससे ठीक कर सकते हैं। जो आपको टॉपिक रिक्वायर्ड है ये आपको वो कवर करके देगा, ठीक है। तो देखते रहिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रखिए, मेरे वीडियोस अभी कंटिन्यू बन रहे हैं तो आपको ये काफ़ी सपोर्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।